What's up guys, hope you all are having a great day. So ये है राइड का थर्ड डे. यहाँ से हम बेलगाम से निकलेंगे एंड जाएंगे सीधा गोवा. 130-120 किलोमीटर के आसपास कुछ पड़ेगा. ब्रेकफास्ट मैंने अभी किया नहीं है, बाहर ही जाके कुछ खाऊंगा क्योंकि इनका खुद का किचन है नहीं, तो इधर बहुत टाइम लग जाएगा ब्रेकफास्ट वगैरह आने में. तो बाहर जाएंगे, ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करेंगे और तुरंत निकलेंगे क्योंकि मेरे को मालूम है रास्ता बहुत अच्छा है एंड बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं रुक रुक के जाऊंगा आराम से. तो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं. पैकिंग वगैरह सब हो गई है, ज़्यादा कुछ ओपन किया नहीं था, बस गाड़ी में सब सामान लगाना पड़ेगा. चेकआउट करते हैं और निकलते हैं. चलो, हाँ तो लगेज जो है वो लोड कर लिया हूँ बाइक में और अब निकलेंगे यहाँ से. देखते हैं कितना टाइम लगता है. 10:30 हुआ है तो 1:30 बजे तक पहुँचेंगे शायद, या 2 बज सकता है डिपेंडिंग कि रास्ता कैसा है. बारिश वगैरह अगर नहीं मिलती है तो. वैसे तो ठीक ठाक ही मौसम दिख रहा है, बट चलो बाइक पूरी सेट है और अब चलते हैं. 114 किलोमीटर 3:03 बोल रहा है. अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं. टाइम जो है अभी हो रहा है 10:25. 23 डिग्रीज है बट साला ठंडा लग रहा है यहाँ बहुत. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो स्टार्ट करते हैं. बढ़िया रोड बनी हुई है पूरी यहाँ. मुझे शायद यहाँ का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ से अपन निकल रहे हैं. तेरी हाँ तो भाई, ये अपन जुड़ गए हैं हाईवे से. नज़ारा देखो सामने का. वहाँ अपन जब पहुँचे तब ऐसे ही मिले तो मज़ा आ जाए कुछ. 103 किलोमीटर्स है यहाँ से. बढ़िया लोग हैं यार यहाँ के लोग, किस्मत वाले. गोवा इतने पास, पहाड़ वहाड़ घाट व्यू सब कुछ है. हाँ 2-2.5 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में. हाँ बट मेरे को लग नहीं रहा मैं पहुँचूँगा क्योंकि यार व्यू वगैरह इधर है अच्छे हैं. मैं डेफिनेटली रुक के मज़े लेने वाला हूँ और फोटोज़ वगैरह खींचूँगा तो इंस्टाग्राम में डालूँगा. तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो करो मेरे को. तो भाई बहुत बारिश मिली. बहुत इससे पहले एक वीडियो लिया हूँ उसमें शायद दिख जाएगी आपको. रेनकोट वगैरह सब पहन के ही अब गाड़ी चलाऊंगा सोच रहा हूँ गोवा तक के, या जब तक कि धूप वूप नहीं आती क्योंकि बादल अभी भी हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं. बट स्टिल रिस्क क्यों लेना. रास्ता बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग. बीच में एक जगह चेकिंग वगैरह चल रही थी बट मेरे को रोके नहीं, कार वगैरह को रोक रहे थे. सो प्रेटी मच एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. बीच बीच में बस थोड़े बहुत पैचेस आ जाते हैं, बहुत जो ख़राब है बहुत ख़राब. जैसे ही आ गया
बट ओवरऑल ये एक्सपीरियंस का हिस्सा है। अरे धूप आ गई। ये जो व्यू है ना, ये देखो बादलों से ऊपर है अभी, ऊपर पूरा 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 कोहरा है बिल्कुल नीचे ऊपर एकदम। कोई अच्छी ओपन जगह मिले ना तो सही से दिखाऊं, बट बहुत पेड़ झाड़ पेड़ सब है यहाँ पे। और ये हल्की फुल्की बारिश फिर से चालू हुई तो GoPro फिर निकाल के रखना पड़ेगा। अपन भी बादलों से ही जा रहे हैं, देख रहे हो हेजी। सो अभी मैं गोवा से 50 किलोमीटर्स दूर हूँ एंड लुक एट दिस व्यू, लुक एट सो मेस्मराइजिंग। मैं रुक गया हूँ, मैं बहुत मतलब आधा घंटा हो गया मुझे रुके हुए यहाँ पे। इट्स सो ब्यूटीफुल, मैं पूरे क्लाउड्स में हूँ। एज यू कैन सी इधर पे भी क्लाउड्स हैं, पूरा क्लाउड बहुत बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट लुक एट दिस व्यू एंड नाउ लुक एट माय बाइक। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई वेदर होता होगा यहाँ पे। आगे बढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत है, सो अमेजिंग। वो लेक वगैरह देखो, बोला देखो एंड आई एम प्रिटी श्योर ये जस्टिस नहीं करेगा वीडियो, इट्स अमेजिंग। हवा की आवाज़ें, पेड़ वेड़ों की आवाज़ें, झरना भी है शायद कहीं पे, उसकी भी क्योंकि आवाज़ आ रही है। सो ब्यूटीफुल यार, आई एम प्रिटी श्योर ये वाला व्लॉग जो है ना थोड़ा लंबा बनेगा, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट है। ओके सो वहाँ से निकल गए बहुत ही फुर्सत से, निकलने का सीरियसली बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और पूरा रास्ता यार, मतलब अगर कभी आप इस टाइम पे सोचो कहीं जाने का तो डेफिनेटली गिव दिस प्लेस अ ट्राई। थोड़ा सा दिक्कत है, लाइक यू हैव टू कैरी योर रेनकोट एंड ऑल पूरे टाइम, क्योंकि बारिश कभी भी हो जा रही है, बट ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड वर्ड्स कांट एक्सप्रेस दिस एंड कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता। इतने सारे वाटरफॉल मिले हैं मेरे को पूरे रास्ते, पूरे रास्ते, मतलब ये एक्चुअली वो बारिश वाले वाटरफॉल है बट इट्स ब्यूटीफुल। अब अपन बादलों से भी नीचे उतर गए हैं, काफ़ी हाइट पे थे मतलब पता नहीं चला था। हाँ तो गोवा एंटर करते साथ ही कोविड का टेस्ट रिपोर्ट चाहिए थी, या तो वहाँ ही पे आप टेस्ट करा लो, या तो अगर आपके पास रिपोर्ट है तो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक दो दिन, तो अब वो दिखा के आगे जा सकते हो। सीरियसली गोवा एंटर करते साथ गोवा की वाइब्स एकदम से शुरू हो गई। सो मैं लास्ट 2015 नहीं, मतलब दो तीन बार आ चुका हूँ मैं, 2015 में आया हूँ, 2016 में भी आया हूँ, फिर 2018 में आया था। तो ये अलग ही वाइब है गोवा की, देख रहे हो कुछ अलग ही खूबसूरती, कुछ अलग फील आता है यहाँ पे। हाँ तो फ्यूल जो है वो फुल करा लिए हैं, यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है 99.63। मैं रायपुर में पे हमारे 99.8 समथिंग कुछ है, बट महाराष्ट्र तेलंगाना वगैरह में तो बहुत महंगा है, 107 108। तो 10 किलोमीटर्स मोर सीधा रिसॉर्ट की लोकेशन डाल दिया हूँ,
तो भाई ये हम पहुंच गए वर्ल्ड फेमस गोवा बागा। बागा इधर से थोड़ा सा उधर आगे जाएंगे तो पड़ेगा आगे, अभी टीटोज लेन भी आएगी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। एकदम याद आ गए पुराने, वो अपना रिसोर्ट भी बस आ ही गया है, एक मिनट में अपन पहुंच जाएंगे। बाइक बाइक हाँ अंदर है, हाँ मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था सिर्फ रूम है, बट यहाँ पे किचन भी अवेलेबल है एंड वो वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है तो वो भी मुझे दिख रही है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय रूम, नाइस। एंड द बेस्ट पार्ट, मतलब जस्ट लुक एट दिस, और बहुत बहुत बड़ी बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी, सो ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स डू यू वांट? सो अभी चेंज करूँगा, फ्रेश होऊंगा एंड देखते हैं फिर खाना कहाँ खाना है, क्योंकि बहुत तेज़ लगी है, चलते हैं आज चेंज करते हैं और थोड़ी देर यहाँ के मज़े लेते हैं। तो प्लान पहले ऐसा कुछ था कि बाहर जाएंगे और बाहर ही खाना खाते, बट बारिश बहुत ज़्यादा है एंड पूरे गोवा के लुक में आ गया अपन, मास्क लगा के घूमो। सो ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है इनकी, तो यहीं पे अभी जाएंगे और इनका जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे ट्राई करते हैं। फिशिंग वगैरह भी चल रही है फुल, चलते हैं फिंगर रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं और आप लोगों को प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ कैसी है। ये पूरा रिसेप्शन एरिया, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, बहुत बढ़िया और शायद बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब देख के ऐसा लग रहा है। देख लो बारिश अभी भी हो रही है। रेस्टोरेंट किस साइड? आगे से लेफ्ट। अच्छा ओ, हल्की बारिश है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो बढ़िया जगह, खैर बैग में मेरे पास पोंचो रखा हुआ है तो अगर ज़्यादा तेज़ लगी तो चले जाएंगे। देख रहे हो ये बहुत खूबसूरत है यार, पूल भी चालू है, नहाएंगे बाद में, अभी पहले चलते हैं रेस्टोरेंट। भूख इतनी ज़्यादा कि अपन ने सीधा खाना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल गिर जाता अभी। प्रॉन करी राइस, क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स, ये दो चीज़ खाया हूँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया खाना, भूख भी बहुत चमकी लगी थी। तो
अभी इसको फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सो डन विथ लंच। लंच क्या, अब तो बहुत लेट हो गया था, 5 बज रहा है, और अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ जगह को। बहुत बहुत बढ़िया जगह है यार ये। अगर वो आ रहे हो तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल। सो इनके पास दो लेक्स हैं, एक इधर है, एक उधर है, और एक और है उस साइड है, बट वो इनकी प्रॉपर्टी में नहीं आती है। बहुत पूरा काई काई हो गया है, ये स्लिपरी है बहुत। इतनी बड़ी जगह है, पार्किंग भी बना लेते हैं अंदर, ठीक है। सो बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। कितने रूम होंगे यहाँ पे, साइड और भी है, वहां चलते हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा शायद, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको ही दिखाते दिखाते, और खाना बहुत बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो, गोवा आया हूँ और अभी तक के मैंने बीच नहीं देखा है, क्योंकि बारिश एज आई सेड बहुत तेज़ हो रही थी। अभी बादल वगैरह थोड़े साफ हुए हैं, तो मे बी यार मैं बाइक लेके निकलूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा अपना रिसॉर्ट, और अपन निकल रहे हैं घूमने। कोई जैकेट नहीं, कुछ नहीं, बड़े दिन बाद ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, बारिश फिलहाल तो रुकी हुई है, अल्लाह करे ना हो। अरे यार अभी बोला ना हो बारिश और बारिश चालू हो गई। जब सोचता हूँ बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश होती, बड़ी तकलीफ है। खैर मेरे को लगता नहीं ज़्यादा देर होगी, तो चलो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलते हैं। वैसे भी ऐसा तो जैकेट वैकेट तो है नहीं, तो किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, बस GoPro का थोड़ा टेंशन है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं है। भी रुक रुक के हो रही है, बट पूरा गोवा ऑलमोस्ट खुला हुआ है, शैक्स वगैरह भी सारे ओपन हैं, और ऑलमोस्ट वहाँ पब वगैरह भी चालू है, बट सिर्फ 7 बजे तक, बाकी शैक्स वगैरह 10-11 बजे तक चालू है। अरे मज़ा आ गया। ओके सो वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। खैर फिलहाल वीडियो इसके बाद और नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, तो एंड बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। बस ऐसे ही बैठा हुआ कुछ भी कर रहा हूँ। अभी रेड बुल पीने का बहुत मन है, तो मैं भी रेड बुल पीऊँगा, जाके लेके आऊँगा।
बट बाहर तक जाना पड़ेगा उसको, या यहीं किसी शैक से ले लूँगा। और अभी उसके बाद देखते हैं आगे और क्या करते हैं। अभी मैं बागा से वापस आया हूँ एंड ऑलमोस्ट पूरे टाइम वहीं था। रात में मैंने डिनर जो है वो ब्रिटॉस में किया, मेरा फेवरेट है, मतलब हर बार वहाँ जाना कंपलसरी है। एंड या इट वाज प्रीटी डिसेंट डे, बहुत अच्छा था, बहुत सूदनिंग था और बहुत लाइक रिलैक्सिंग था, तो काफ़ी मज़ा आया। एंड अब देखते हैं कल क्या करते हैं। फ़िलहाल तो अभी और कहीं जाऊँगा नहीं, अगर घूमने फिरने ऐसे ही निकल गया तो निकल जाऊँगा, बट अभी मूड हो रहा है कि स्विमिंग कर लूँ। सो या लेट्स सी आगे मैं क्या करता हूँ, कल के ब्लॉग में देखना, कल जो भी रिकॉर्ड करूँगा मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। सो अगर ये वीडियो देखे और ये वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक की, तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू।